प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है जब आप सारी इक्वेशंस को, सारे क्वेश्चंस को सिर्फ थ्योरेटिकली देखने लगते हैं कि थ्योरेटिकली मेरा आंसर आ जाए, सॉल्व हो जाए, या जो प्रूफ करना है क्वेश्चन में बस मेरी किसी तरह से वो इक्वेशन बन जाए। तो ऐसे नहीं करना है। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ श्वेतिशा। सो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एनालिटिक ज्योमेट्री। सुन के ही थोड़ा सा डर लग जाता है। पहले तो पेपर वन का सब्जेक्ट है, जितना मुश्किल आप समझ रहे हैं इस सब्जेक्ट को उतना मुश्किल ये है नहीं। प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है जब आप सारी इक्वेशंस को, सारे क्वेश्चंस को सिर्फ थ्योरेटिकली देखने लगते हैं कि थ्योरेटिकली मेरा आंसर आ जाए, सॉल्व हो जाए, या जो प्रूफ करना है क्वेश्चन में बस मेरी किसी तरह से वो इक्वेशन बन जाए। तो ऐसे नहीं करना है, सिस्टमेटिक चलना है। और क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप रियल लाइफ में देख सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। यू कैन इमेजिन हाउ अ प्लेन लुक्स लाइक, स्फीयर, कोन, सिलेंडर, ये सारी चीज़ें तो हम देख सकते हैं ना, तो इसमें कन्फ्यूज़ क्या होना है। तो जहाँ पे भी कोई भी आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्यूशन जहां काम करनी बंद कर जाएगी वहां से ये सब्जेक्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो पैराबोलॉइड हो, कोनिकॉइड हो, कोई भी टॉपिक आप एनालिटिक ज्योमेट्री का उठाइए, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे कि कैसी चीजें जा रही हैं, कौन सा नॉर्मल, कौन सा पॉइंट है, कौन सी परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो ये अगर आप नहीं देख पा रहे तो प्रॉब्लम हो जाती है। नाउ ऑब्वियसली एक प्रॉब्लम आती है कि अब हर चीज तो इमेजिन हम लोग नहीं कर सकते, एक आइडिया नहीं लग पाता, तो आप उसको कैसे करेंगे। तो वो हम ट्राई करेंगे, मैं ट्राई करूंगी कि आपको सारी चीजें दिखा सकूं। प्लेन्स से परपेंडिकुलर लाइन बन रही है, स्फीयर से रेडिकल प्लेन बन रहा है, तो मैं कोशिश करूंगी सारी चीजें मैं यहाँ पर ड्रॉ कर पाऊँ। बट ऑब्वियसली टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन को बनाना थोड़ा मुश्किल है, पर हम समझने की कोशिश करेंगे मिलकर और हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनालिटिक ज्योमेट्री टॉपिक रहेगा हमारा आज का, द प्लेन। छोटी छोटी चीजें जो इंपॉर्टेंट रहेंगी वो मैं साइड में लिखती जाऊंगी। अगर आपको लगता है आपके लिए कुछ नया है तो प्लीज आप उसको साइड में लिखते जाइए। ठीक है, चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। अ सरफेस वेयर एवरी पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाई कंप्लीटली ऑन इट। मतलब कोई भी आप सर्फेस ले लो, कोई भी सर्फेस ले लो, जैसे इमेजिन आप यू आर वर्किंग विद अ स्फीयर, सर्फेस स्फीयर जो है दैट इज अ सर्फेस, सर्फेस है। आप दो पॉइंट्स ले लो, एक इस तरफ ले लेते हैं ए पॉइंट और एक उस तरफ ले लेते हैं बी पॉइंट। आप इसको ज्वाइन करें, दिस लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, क्या वो स्फीयर के ऊपर है? क्या लाइन का हर एक पॉइंट स्फीयर के ऊपर है? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। सिर्फ दो ही पॉइंट्स है कॉमन, तो मतलब ये जो सर्फेस था वो प्लेन नहीं। ठीक है, तो प्लेन कैसा रहेगा? सिंपल, इस तरह से प्लेन है। यहाँ पे आप कोई भी दो पॉइंट लीजिए, ज्वाइन करो, लाइन है, लाइन का हर एक पॉइंट प्लेन के ऊपर है, तो यस इट्स अ प्लेन। ठीक है, तो डेफिनेशन के बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं इसकी जनरल इक्वेशन की। व्हाट इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन लुक्स लाइक? तो जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि क्या ये प्लेन की इक्वेशन है। इफ इट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन तो ये इक्वेशन हमारे डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखो अब डेफिनेशन क्या है कि आप दो पॉइंट्स ले लो इस सरफेस पे, तो ठीक है ले लेते हैं दो पॉइंट्स। लेट पी एक्स वन वाई वन जेड वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू बी टू पॉइंट्स ऑन सरफेस वन। ठीक है, अगर ये दो पॉइंट्स इस पे हैं दैट इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है,
अब हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर ये दो पॉइंट उस सरफेस पे है, तो अगर आप कोई भी पॉइंट निकाले ऑन द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू, आपने पी और क्यू को ज्वाइन किया, उस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो भी इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करना चाहिए। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, देखो, मल्टीप्लाई इक्वेशन थ्री बाय के एंड एड विद इक्वेशन टू। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, ए कॉमन एक्स वन प्लस के टाइम्स एक्स टू प्लस बी कॉमन वाई वन प्लस के टाइम्स वाई टू प्लस सी जेड वन प्लस के टाइम्स जेड टू प्लस डी वन प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो। वन प्लस के से डिवाइड कर दीजिए, तो ए एक्स वन प्लस के एक्स टू डिवाइडेड बाय वन प्लस के प्लस बी वाई वन प्लस के वाई टू डिवाइडेड बाय वन प्लस के प्लस सी जेड वन प्लस के जेड टू डिवाइड बाय वन प्लस के प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। क्या नजर आ रहा है, इजंट इट इक्वेशन नंबर वन, ये इक्वेशन नंबर वन ही है विच इज सैटिस्फाइड बाय अ पॉइंट। पॉइंट दिख रहा है आपको, इट इंप्लाइज लेट मी से कौन सा पॉइंट लिया था हमने, ये पी और क्यू, तो इसको ए बोल देते हैं, नहीं ए भी हमारा यूज हो रखा है, तो इसको आर कह देते हैं। तो R, it implies R is a point which is x1 plus k x2 divided by 1 plus k, y1 plus k y2 divided by 1 plus k, z1 plus k z2 divided by 1 plus k. It implies R lie on plane 1. ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अगेन ये छोटी छोटी चीजें, अगर आपको नहीं याद है, कोई इसमें हेजिटेशन की बात नहीं है, कोई इसमें ये सोचने की बात नहीं है कि अरे हमें तो सेक्शन फॉर्मूला नहीं आता है, मैथ्स ऑप्शनल ही गलत हो गया, तो आपने पीछे नहीं आना है, आगे जाना है। अगर आप इस स्टेप पे आपको पता लग गया है ना कि अरे थोड़ा सा हम भूल गए सेक्शन फॉर्मूला, शायद फॉर्मूला देख कर याद आ जाए, है ना, आगे बढ़ेंगे तभी तो सोल्यूशन निकलेगा। तो लिखो यहाँ पे, बॉक्स बना लो, मैंने पहले भी बताया हुआ है इस बॉक्स का हम क्या नाम देते हैं, इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, रोबैम। क्या मतलब है इसका, रिवीजन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक्स कुछ आपको नहीं याद आ रहे, फटाफट लिख दो, क्या दिक्कत है, लिखो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला। क्या था सेक्शन फॉर्मूला, व्हेन यू हैव टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स आपको पता है ए कॉमा बी और यह है सी कॉमा डी, तो आप बीच का कोई पॉइंट पी निकाल सकते हो इफ यू हैव द रेशियो के इज टू वन, वही a टाइम्स वन प्लस सी टाइम्स के डिवाइड बाय वन प्लस के, फिर b टाइम्स वन डी टाइम प्लस डी टाइम्स के डिवाइड बाय वन प्लस के, लगाओ इधर फॉर्मूला। क्या ये पॉइंट उस लाइन पे नहीं है PQ पे, क्या ये पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग PQ पर नहीं है यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, देखो ध्यान से। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट ले लो वन के इज टू वन, और ऑब्वियसली के आपका एक कांस्टेंट है, के आप चेंज कर सकते हो, तो जैसे जैसे के चेंज करोगे वो पॉइंट वेरी करता रहेगा, मतलब आप कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी के की वैल्यू ले लो, वो पॉइंट इक्वेशन ऑफ सरफेस को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि वो जो हमारी इक्वेशन थी वो और कोई नहीं बल्कि इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो इसीलिए हम इसको एक्सेप्ट करते हैं हमारी जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इतना सिंपल सा था, जब याद नहीं करना है ना उसको, आप देखो डेफिनेशन आपके पास है, हमने उसको फटाफट सेटिस्फाई करा लिया। अब आप कहेंगे कि क्या ये डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन बेसिक्स अगर आप नहीं करेंगे और हर चीज जो एग्जाम में पूछी गई है, अगर अभी मैं सीधा एक पीवाई क्यू करा दूं तो फिर तो आप परेशान हो जाओगे, ये क्या हो रहा है, स्टार्ट तो जीरो से करना पड़ेगा ना। तो वो छोटी छोटी चीजें जो आपको लगता है अरे ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप उसको पढ़ लें चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज बढ़ाने पे ज्यादा फोकस करें, क्वेश्चंस अपने आप होंगे, डरने वाली कोई बात नहीं।
आगे चलते जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट. अब एक इक्वेशन है हमारे पास जनरल इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो. ये एक पॉइंट से पास कर रहा है. इट इज पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट. पॉइंट अच्छा दिया हुआ है पॉइंट स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी. ठीक है तो ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी है उसमें से कुछ एलिमिनेट हो जाएगा. मतलब हम कोई वैल्यू इस ए बी सी डी में से पता लगा सकते हैं अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन हो मेरे प्लेन की. तो प्लेन की इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास क्या है कि वो एक पॉइंट से पास कर रहा है. ठीक है तो एक वेरिएबल हम हटा एक कॉन्स्टेंट जो कैपिटल ए बी सी डी है उसमें से हम एक हटा सकते हैं. कैसे देखो इफ वन इफ ए बी सी is on plane 1, then ये उसको satisfy करेगा. then a times a plus b times b plus c times c plus d is equals to 0. subtract कर दो. ठीक है 1 minus 2 capital a x minus a plus capital b y minus b प्लस कैपिटल सी जेड माइनस सी इज इक्वल टू जीरो. अब यहां से क्या एलिमिनेट हो गया डी नहीं है ना यहाँ पे कैपिटल डी नहीं है. तो अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस ले लेते हैं कॉमन और ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी प्लस सी टाइम्स सी इज इक्वल टू जीरो. तो ये है आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन जहां पे आपके पास कॉन्स्टेंट की वैल्यू है बिकॉज हमारे पास वो ए बी सी वाला पॉइंट है. तो ये ए बी सी जो मतलब ये कॉन्स्टेंट्स हैं ये निकालने के लिए कैसे रहेगा. एक इंफॉर्मेशन थी तो एक एलिमिनेट हो गया डी चला गया. उसी तरीके से अगर आपको बस प्लेन की चार इंफॉर्मेशन होगी तो आप ये चारों को एलिमिनेट कर सकते हो ए बी सी डी. बट ठीक है देखते हैं वो कौन सी कंडीशंस होंगी वो क्या रहेगा वो बाद की बात है. पर अभी हमने एक जो है एलिमिनेट कर दिया है और हम इसको याद रखेंगे. ठीक है नॉर्मल फॉर्म. तो अभी तक हमने क्या किया एक हमने किया जनरल फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो. दूसरा हमने किया कि एक पॉइंट से अगर पास कर रहा है तो कैसे नजर आएगा. तीसरा है नॉर्मल फॉर्म. नॉर्मल फॉर्म में क्या रहता है इसमें भी आपको प्लेन की कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होती है. प्लेन की कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास क्या प्लेन जो है अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना. ये प्लेन आगे है ठीक है येलो वाला सरफेस जो ट्रायंगल जैसा बनाया है हमने आगे बनाया है. ये तीन लाइन पीछे है ठीक. तो ओरिजिन से अब मुझे प्लेन पे परपेंडिकुलर बनाना. तो इट वुड बी लाइक यहां से आप इस तरह से प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर आपने बना दिया. ये आपको डिस्टेंस पी मालूम है. ये इसको ले लेते हैं ओ इसको ले लेते हैं पी. एक कोई रैंडम पॉइंट भी लेंगे प्लेन के ऊपर एक्स वाई जेड. अच्छा और एक बात जो भी चीज आप डायग्राम में ड्रॉ करते हैं कोई भी वेरिएबल यहाँ जैसे अज्यूम कर रहे हो स्मॉल पी या कैपिटल क्यू पॉइंट है प्लेन पे कुछ भी तो उसको आप ऐसे ना माने कि मैंने तो यहाँ बना दिया तो इट इज नाउ डन. जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं जब तक आप उसको मेंशन नहीं करेंगे जैसे कि लेट क्यू बी अ पॉइंट क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी अ पॉइंट ऑन अ प्लेन लेट ओ पी बी द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन तब तक वो ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा. आंसर राइटिंग भी एक स्किल है. तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है. तो स्टार्टिंग में क्या करेंगे लेट ओ पी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन ओ. ठीक है इसको हमने माना है स्मॉल पी. लेट क्यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बी अनदर पॉइंट ऑन प्लेन. ठीक है प्लेन की इक्वेशन जो आप ठीक है एक और पॉइंट ये जो कैपिटल पी है इसका आप कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं. ध्यान से देखो डिस्टेंस हमें पता है पी. ठीक है
ये एंगल क्या रहेगा अगर मैं इसको बोलूँ, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपके पास वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट यूज कर रही हूँ डायरेक्शन कोसाइन्स और डायरेक्शन रेशो का। अगेन दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा सा साइड में बना लो। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो कंसेप्ट है लाइन से रिलेटेड है, और हमारे पास वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है वो हमें पहले देखना है। तो एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए अल्फा है, वाई के साथ बीटा है, और पीछे वाला जो जेड है उसके साथ गामा है। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा कहलाता है डायरेक्शन कोसाइन्स, ठीक है, याद आ गया, लिख लो फटाफट साइड में। डायरेक्शन रेशियो इसका कोई भी मल्टीपल टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू कॉस अल्फा टू कॉस बीटा टू कॉस गामा, रूट थ्री कॉस अल्फा रूट थ्री कॉस बीटा रूट थ्री कॉस गामा, कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट ले लो मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके डायरेक्शन रेशियो आ जाते हैं। कंसेप्ट है लाइन का, तो ओपी जो लाइन है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या रहेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा मैंने एंगल्स मान लिए हैं। तो यहां पे कॉस बीटा, पी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसको मैं चेंज कर लेती हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करो वाई पे, एक निकाल के दिखा रही हूं वाई एक्सिस वाई कंपोनेंट, देन एक्स कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट सिमिलरली लिख लेंगे, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो मान लीजिए ये O है, ये P है, ये एंगल बीटा है, और ये मैंने परपेंडिकुलर मान लीजिए A पे बनाया, ये स्मॉल P है, तो कॉस बीटा क्या होगा यहाँ, कॉस बीटा रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो OA की वैल्यू आई, हाँ जी देखिए OA की क्या वैल्यू आई, P कॉस बीटा, वो क्या है वाई कॉम्पोनेंट, तो x कंपोनेंट क्या रहेगा p cos अल्फा, z कंपोनेंट क्या रहेगा p cos गामा। तो यहां पे नाउ p बिकम्स स्मॉल p cos अल्फा स्मॉल p cos बीटा एंड स्मॉल p cos गामा, ये आपके पास पॉइंट है। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए, अगेन एक अगेन छोटा सा कंसेप्ट बता रही हूँ, फटाफट से लिख लो, अगर एक लाइन के ऊपर आपको दो पॉइंट्स पता है तो डायरेक्शन रेशियो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू, दो पॉइंट पता है एक लाइन पे, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकलेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन, सिंपल। तो आपको यहां पे भी दो पॉइंट पता है, ये है p cos अल्फा p cos बीटा और p cos गामा, तो डायरेक्शन रेशियो निकालो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ x माइनस p cos अल्फा y माइनस p cos बीटा z माइनस p cos गामा, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो आ गए। सिमिलरली आप O और P, OP के भी डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो, O पता है P पता है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ OP P cos अल्फा माइनस जीरो P cos बीटा माइनस जीरो P cos गामा, दो लाइंस है, दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता है और दोनों लाइंस आपस में क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि OP प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन के हर लाइन से परपेंडिकुलर, प्लेन के ऊपर कोई भी लाइन है तो उससे वो परपेंडिकुलर है। तो ये दो डायरेक्शन रेशियो उन दो लाइंस के हैं जो परपेंडिकुलर है, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू PQ, देयरफॉर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल्स टू जीरो प्लस P cos बीटा y माइनस p cos बीटा प्लस p cos गामा z माइनस p cos गामा इज इक्वल्स टू जीरो, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है डायरेक्शन रेशियोज है। तो ये आपका रिलेशन होता है जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है, इसको आप सिंप्लीफाई करिए आपका आंसर आ गया, इसको सिंप्लीफाई करिए इक्वेशन आएगी बेटा कॉस अल्फा एक्स प्लस कॉस बीटा वाई प्लस कॉस गामा जेड इज इक्वल्स टू पी, और ये आई आपकी अनदर इक्वेशन ऑफ
प्ले, ये हम यहाँ खत्म करेंगे। ठीक है, आपने तीन तरह की इक्वेशंस देखी हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ज्वाइन करिए, जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं मालूम साइड में लिखते रहिए और इस तरह से आप आगे बढ़िए। ठीक है, आई होप टू सी यू अगेन, थैंक यू सो मच एवरीवन।